अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगी सभी खैरियत से होंगे। और जी, रमज़ान मुबारक तो बहुत तेज़ी से जो है भाग रहा है। सही से सो भी मैं ना सहरी के लिए उठ चुकी हूँ बनाना। और यहाँ है हमारा दही, और ये जो है ना अभी तक बना ही नहीं क्योंकि दूध जो था काफी ठंडा हो चुका था। अभी मैं इसको और रख रही हूँ तो ये मेक हो जाएगा। इसको गेम रख देते हैं। नाश्ता बनाते हैं, बच्चों का नाश्ता भी बनाऊंगी और अपनी सहरी बना रही हूँ। तो जब अब ना गैस पर सब जाने वाली है तो मैंने सोचा बच्चों का पराठे जो है ना थोड़े से गर्म कर लूँ। चाय भी ये देखें सुबह की मैंने सहरी के टाइम के बना ली, वो गर्म कर लिए। और फिर मैंने सोचा अंडा बना लूँ बच्चों के साथ में, कभी मिक्स करके, क्योंकि दाल है और साथ में ऐड कर लूँ मैं। ठीक है, तो ये मैं साथ में बना ली क्योंकि बच्चे अंडे बड़ा शौक से खाते। और बस यहाँ मैं एग जो है ना बना रही हूँ। ये रोटी भी मैं उतार रही हूँ और फिर मैं अंडा बना रही हूँ। उससे पहले गैस चली जाए क्योंकि गैस जो है वो 9 बजे बिल्कुल चली जाती है। बच्चे अभी भी सो रहे हैं, मैंने कहा इनको बना के दे दूँ फिर ये दोपहर में भी खा लेंगे। लेकिन वैसे तो स्कूल जाना होता है तो जो भी होता है बेचारे वही खा रहे होते हैं। मैं दोबारा कुछ नहीं बनाती तो मैंने सोचा आज बच्चों को एग भी साथ में बना दो। जाओ दोनों, तो यहाँ हम वेटिंग में खड़े हुए थे और वी आर गोइंग फॉर सम शॉपिंग। ठीक है, यहाँ ट्रेन गुजर रही है तो बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे सो मैंने भी इसको कैप्चर कर लिया। और अच्छा जी, शॉपिंग रिलेटेड ब्लॉग है बेसिकली, कहाँ गए थे, क्या शॉपिंग है, ये सभी आपको ब्लॉग में मिलेगा। और किस लिए क्यों शॉपिंग हो रही है ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ कुछ अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि किस चीज़ के लिए मतलब शॉपिंग हो रही है। ऑब्वियसली जब आप देखेंगे तो आइडिया थोड़ा बहुत तो आपको हो ही जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये शॉपिंग किसके लिए हो रही है और क्या हो रहा है ये भी आपको बाद में ही पता चलेगा। अच्छा, ये देखें, मैं वीडियो बना रही थी और ये फलकनाज अपार्टमेंट है और ये देखें आप अपार्टमेंट्स की हालत कितनी ख़राब हो जाती है। इस वजह से जो है ना अपार्टमेंट्स जो है फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होते हैं। सो यहाँ पर हम जाते हुए पहले फ्यूल जो है गाड़ी में डलवाया था तो वहाँ पर जो है फ्यूल डल रहा है तो उसको हम कर रहे थे। ठीक है, बच्चों ने खैर काफ़ी इंजॉय किया और हमें जो है हम 12 बजे के निकले हुए थे और वी आर गोइंग बैक एट होम ऑलमोस्ट 5 o'clock हम घर पहुँचे थे। सो ये जो है ना रास्ते में बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, इतना शोर शराबा, इतना इंजॉय किया, फुल एनर्जी में थे वो। और हम जो है एट द एंड बिल्कुल हमारी जो है ना
घर आते आते एनर्जी लेवल इतना डाउन हो चुका था क्योंकि रोज़े के साथ थे, और ऑब्वियसली रोज़े में तो फिर आपको पता है घूमना फिरना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर हम गाड़ी में गए थे, और लेकिन ये कि टाइम चीज़ें ढूंढने में लग रहा था, एक्चुअल जो चीज़ें जिस तरह की चाहिए होती हैं वो चीज़ें लेने में थोड़ा सा टाइम लगा था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, 12 से 5 बज के। और एक्यूरेट आपको पता है ना जगहों पे, लेकिन डिज़ायर चीज़ें मिलना ये भी एक होता है कि एग्जैक्टली वो चीज़ जो हम चाह रहे होते हैं वो मिल जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले जो है ना पहुँचे थे बहादराबाद, ठीक है, और बहादराबाद में कौन सी शॉप पे पहुँचे थे वो भी आप के साथ शेयर करते जाएंगे। और यहाँ पर जो है ना, खैर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त सा था। ये वही वाला रोड है, और मुझे याद आ गया कि बीच जब हम जाते हैं तो इसी रोड के थ्रू जा रहे होते हैं, यहीं से हमारा मोस्टली इसी रूट से जाते हैं। सो और वहाँ पर फ्लावर्स मार्केट जो आती है, भी 3-4 बुकेस होते हैं वहाँ पर, वो भी शॉप्स नज़र आई, मतलब अपनी पुरानी यादें ताज़ा होने लगी थी। सो हम बस ना ऑन द वे थे और पहुँचने वाले थे। सो जी जब हम वहाँ पर पहुँचे तो जी एक ही शॉप खुली हुई थी, और जब हम शॉप में गए तो उसके बाद इनका जो था वो ब्रेक टाइम हो गया था, अजानें होने लगी थी, तो जी नमाज़ अदा करनी थी, तो फिर फर्स्ट टाइम हमने जो है नमाज़ें ज़ुहर अदा की इन मस्जिद, ठीक है। तो वहाँ पर वेटिंग एरिया मतलब लेडीज़ का एक पोर्शन बना हुआ था, तो वहाँ पर जाके जो है ना नमाज अदा कर ली थी। सो हम बेसिकली गए कहाँ थे वो मैं आपके साथ शो करवाती हूँ कि हम पहुँचे कहाँ थे। दिस इज़ बेसिकली आलमगीर, आपको पता चल जाएगा बहादराबाद पे जो अहराम हाउस है वो है, और हम वहाँ पर पहुँच चुके थे। सो हमें यहाँ से जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने लेनी थी, तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी क्या क्या हमने बाय किया वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, और उसके रेट्स अगर आपको वीडियोस में नज़र आ जाएंगे तो आप वो भी देखते। आलमगीर अहराम हाउस के नाम से शॉप है, ठीक है, जहाँ से हज और उमरे से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं तो उनको आइडिया होता है, और अगर आपने ख़ुद भी अगर आपको आइडिया हो तो फिर आप इजीली बाय कर सकते हैं। जैसे कि क्रॉस बॉडीज होते हैं, इस तरह के बैग्स होते हैं, तो इसमें फिर सिलेक्शन आप बात खुद कर सकते हैं। सो जी हम भी यही देख रहे थे कि कौन से हमें लेने हैं, किस तरह के लेने चाहिए, तो ये सभी सर्चिंग चल रही थी। सो यहाँ पर बस क्रॉस बॉडी की सिलेक्शन चल रही थी, काफ़ी सारे निकाल के देखे थे, जो बेटर लगे वो वाला हम इसको बाय कर लें, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर मतलब पासपोर्ट और इस तरह की सारी चीज़ें ऐडअप हो जाती हैं। सो ये जो है अनसेंटेड जो सोप्स होते हैं वो लगे हुए थे, वो भी चाहिए होते हैं, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें भी आपको लेनी होती हैं, सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं बेसिक्स वो सभी लेनी होती हैं। तो यहाँ बच्चे भी साथ थे, बच्चे तो आपको पता है वो अपनी बास्केट लेके ही घूम रहे थे, उनका कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आप लोग खुद से नहीं डाल दीजिएगा कि आप अपनी चीज़ें डाल रहे हो उसके अंदर बास्केट में। सो ये जो है ना इसी तरह से मूव कर रहे थे, बास्केट को ले लेके घूम रहे थे, अपने ही कामों में लगे हुए थे। तो यहाँ पर सोप ऐड कर दिया है, पहले एक ही सोप ऐड किया, पहले दूसरा किया था, फिर हमने चेंज करके, ये देखेंगे पूरा मर्दों का अहराम जो होता है वो है इस तरह से, मर्द अहराम पहनते हैं और नीचे सिंपल वाली चप्पल पहनी भी होती है, तो ये जेंट्स का अहराम बांधने का तरीका होता है, और किस तरह का पहनते हैं वो पता चल जाता है। सो यहाँ पर फिर सनग्लासेस चाहिए था क्योंकि वहाँ पर धूप है, साथ में एक छोटी सीज़र होती है, जैसे आपको बाल कट करने होते हैं अपने जब उम्रा करते हैं तो वो। सो यहाँ पर फिर हम सनग्लासेस सेलेक्ट कर रहे थे कि सनग्लासेस कैसा वाला चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ सन मतलब आलमगीर जो अहराम हाउस है उसमें आपको हर एक तरह की चीज़ें मिल रही हैं, ग्लासेस हैं, बच्चों के ग्लासेस भी हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं जो जो आपको चाहिए वो आप वहाँ से ले सकते हैं, जो बेसिक नीड होती है वहाँ पर वो उससे रिलेटेड काफ़ी एसेसरीज यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हम जो है दो तीन जगह पे गए, हम पहले यहाँ गए, फिर हम मैं आपके साथ आगे आगे शेयर करूँगी। राइट नाउ भी आ रहा था आलमगीर अहराम हाउस बहादराबाद, ठीक है, तो यहाँ आप देखें बच्चों के सनग्लासेस वगैरह और काफ़ी काइंड ऑफ थिंग्स हैं, ये ग्लासेस हैं, और जो डिफरेंट ग्लासेस जो क्योंकि सन टैन का भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, और तो इस वजह से सनग्लासेस लेना भी बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए। सो यहाँ पर जो है ये हैंड टॉवल्स या हैंड नैपकिन होते हैं वो हैं,
तो उसको भी चेक कर रहे थे कि हैंड नैपकिन वगैरह कैसे रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें एट द एंड सभी कंप्लीट हो गया था, जो जो नेसेसरी थी सभी चीज़ें ले रही थी। यहाँ पर फिर वो जो है नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपनी शॉप बंद करनी थी, तो हम लोग भी जो है ना मस्जिद में आ गए थे। यहाँ पर हाथ जो है नमाज़ें मस्जिद में से नमाज़ पढ़ के रिटर्न जा रहे हैं। ये थोड़ा सा हुजरा टाइप होता है जो लेडीज़ का बना था, तो हम यहाँ थे। फिर हम वापस आए और फिर बच्चों ने भी अपने ग्लासेस वगैरह लिए, हमने बस थोड़ी सी चीज़ें खरीदी थी। तो फिर हमने ये, अच्छा ये जो होती हैं जिसमें हम खजूरें या पानी वगैरह की बॉटल ऐड करके देते हैं वो हैं, तो ये भी वहीं से मिल जाती है, आके लोग यहीं से ख़रीदते हैं, ये वहाँ से लेके नहीं आते हैं। ये सिंपल्स वाली ही था कि एयर टाइट जिप लॉक बैग जो होते हैं तो वो यहीं से ले लें। तो हम ये भी सिलेक्शन करें, उनके पास डेट्स वगैरह थी अजवा और ये वो, लेकिन खैर ये वाली चीज़ें तो खैर आप जब सऊदीया जाओ तो वहीं से लेकर आओ तो ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो हम ये सभी चीज़ें देख रहे थे। फिर ये बॉटल्स होती हैं, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स और इसकी बॉटल्स की जो है ना इसमें ml की क्वांटिटी का भी डिफरेंट होता है, मतलब कितने इतने आएंगे। अच्छा ये अम्ब्रेला भी हमने ली थी क्योंकि वहाँ पर फिर आपको पता है धूप जो है ना वो डायरेक्ट पड़ती है, गर्मी बहुत होती है उस लिहाज से। यहाँ पर काफ़ी सारी रीडिंग बुक्स बच्चों के लिहाज से बहुत ही अच्छी थी इस्लामिक। अच्छा यहाँ पर ये वाला हमने क्रॉस बॉडी सेलेक्ट किया था और फिर वो शूज़ का और शूज़ पाउच ये वो सारी चीज़ें हमें लेनी होती हैं, तो हमने वो सारी चीज़ें भी बाय की। और बस बच्चों के साथ तो एक नया जो है ना वो लगा हुआ था। फिर हम वहाँ से निकल गए थे गुरु मंदिर क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई थी अभी भी, तो हमें वो बाय करनी थी, तो उसके लिए हम फिर ढूँढ रहे थे। फिर हम गुरु मंदिर चले गए थे, फिर वहाँ की कुछ शॉप से हमें कुछ चीज़ें मिली, तो हमने वो भी बहुत कुछ तो खैर नहीं मिला, और रैपिंग एक शीट ही वहाँ से हमने बाय की। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप मीरठ फेमस कबाब हाउस भी था, लेकिन खैर मैं तो सब चीज़ें रीट आउट करते हुए जा रही थी। और यहाँ पर इतना रश था कि बीच में वो 10 रुपये मतलब 10 रुपये केजी फूड मिल रहा था, तो वहाँ इतना कोई ज़्यादा रश था। ये अहराम की शॉप थी, इसमें भी जस्ट वाइट कलर अवेलेबल था, हमें आउट ऑफ द वाइट कलर चाहिए था लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं था। तो जो ये बेसिकली पीछे सीक्रेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम इतनी शॉपिंग कर क्यों रहे थे आराम ये वो सब कुछ लेने के लिए। ये है चैस जेल रोड वाला, तो हम यहाँ पर आ गए थे, यहाँ सुना था कि कुछ चीज़ें सस्ती हैं या इस तरह का कुछ सीन था। खैर फिर हमने यहाँ से कुछ एक फेस वॉश और बच्चों ने उठा लिए थे ये अपने टूथ ब्रशेज इस तरह की चीज़ें, और मतलब ये प्लेट्स थी और मैंने कुछ सेंट्स वगैरह मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी, कुछ पे क्वांटिटी कम भी थी। और ये देख सकते हैं आप बाउल वगैरह, खैर प्राइस मेंशन नहीं थी, अदरवाइज आई विल टेक दिस कि कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ था इन्होंने। सो ये प्लेट्स भी येलो वाली मुझे बहुत अच्छी लगी थी लेकिन उस पर मेंशन नहीं था, ये जो है प्लास्टिक फॉर्म में थी। तो आगे मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए ना मैं सब प्लास्टिक फॉर्म की प्लेट्स ज़रूर बाय करूँ क्योंकि अब बच्चों की प्लेट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। फिर हम लास्ट में मरी हॉल्ट में अपने ही एरिया में आ चुके थे और यहाँ चप्पल्स देख रहे थे पहन पहन के, ये देखें हम। उसके बाद फिर ये रह गया था एक अहराम जो चादर होती है लेडीज़ के लिए अपने आप को फुल कवर अप करना, तो वो ली, फिर चप्पल ली और फिर अम्मी के घर पर बस हमने इफ्तारी की। और इफ्तारी करने के बाद हस्बैंड आए थे 9 बजे के करीब, फिर हमने बस आए तो हमने चावल वो लेकर आए थे वो खाए और साथ में चाय पी। बस ये था हमारा आज का ब्लॉग, उम्मीद करूँगी आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ्तारी से पहले तो बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई थी लेकिन एक जो जो चीज़ें चाह रहे थे वो सभी हो गई थी। अपना रखिएगा बहुत सारा, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द बताऊँगी कि क्या सीक्रेट है बिहाइंड दिस शॉपिंग।